भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली में जारी किनो आपरो घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा री मौजूदगी में जारी करियो गयो घोषणा पत्र। मतदान री तारीख नजदीक आवरे साथ ही चुनाव प्रचार में आई तेजी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नोहर भादरा में कीनी जनसभा। कांग्रेस री राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज जालौर रा दौरा में थे। पेलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा में कीनी जनसभा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर री जयंती आज। संसद भवन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाबा साहेब ने कीना श्रद्धा सुमन अर्पित। जयपुर में भी रखा गया कई कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ावा खातर कराया जा रहा है कई नवाचार। भरतपुर और बीकानेर में मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार फिर आयो बदलाव। प्रदेश का कई जिला में तेज अंधड़ के साथ हुई बरसात, लोगों ने गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। भारतीय जनता पार्टी आज नई दिल्ली में आपरो घोषणा पत्र जारी कीनो। भाजपा आपरा घोषणा पत्र ने संकल्प पत्र रो नाम देनी है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी कर। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ जिला रा नोहर और भादरा माए भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया री हिमायत माए जनसभा माने संबोधित कीनो। इन मौके वणा केंद्र और राज्य सरकार री उपलब्धियां जताता थका कयो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश रा प्रधानमंत्री बनेला। इन बगत भाजपा नेता सीआर चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत सेती के नेता मौजूद हा। मुख्यमंत्री आज करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र सु भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटवरा समर्थन माए भी जनसभा राखेला। कांग्रेस री राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आसु दो दिन रा प्रदेश रा दौरा माथे है। प्रियंका गांधी आज विशेष विमान रे जरिए जालौर पुगेला। वणारा साथे पेलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जालौर जावेला। प्रियंका गांधी भीनबाल माए जनसभा ने संबोधित करेला। सवाई माधोपुर माए आराम करबारे पाछे काल बांदीकोई माए चुनावी सभा और अलवर माए रोड शो राखेला। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण री मतदान री तारीख नजदीक आवरे साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुक्यो है। पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा माए कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा री हिमायत माए जनसभा ने संबोधित कीना। दौसा जिला रा गीजगढ़ माए राखी गई जनसभा माए वणा भाजपा माथे निशानो साध्यो। हमारे लोग तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को भेज रहे हैं और कांग्रेस को छुड़ा के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को ले गए, जब आप 400 पार हो रहे हो तो आप चाहते क्या हो? फिर आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो घबराए हुए हैं, घबराए हुए हैं। और आप देखेंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर भी।
आज आखा देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। मानी आज रे दिन बाबा साहेब रा देश रा संविधान बनावारा अमूल्य योगदान ने याद करो जावे है। आज संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी कानिसु आज जयपुर में ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर री जयंती जलसो रखो गयो। जलसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कीनी। कार्यक्रम में बोलता थका मुख्यमंत्री कहो कि बाबा साहेब रा जीवन संघर्ष और बनारा आदर्श और सिद्धांता सु सब ने प्रेरणा लेनी चाहे। कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत और बंजू बाघमार सेती सोसायटी रा पदाधिकारी मौजूद रहा। इनसु पहली अंबेडकर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ भी रखी गई। लेकिन उसमें फंड ने सरकार बाबा साहब एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनेता, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। उन्होंने इस देश को रास्ता दिखाने का काम किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना है, उस अंत्योदय की योजना को इस देश में बढ़ाने का काम किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। एक समय जब था तब देश में कुपड़ता अंधकार से घिरा था। ऐसे समय में बाबा साहब देश में एक नई रोशनी लाने का काम किया। कोई रोशनी थी संभाव सहित समाज, भेदभाव रहित समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके राजधानी जयपुर से प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जयपुर स्थित अंबेडकर सर्किल माथे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्त माथे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा श्रद्धांजलि अर्पित कीनी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र जयपुर और अखिल भारतीय जीएसआई अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन कानिसु आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जीएसआई परिसर में बाबा साहेब की मूर्त माथे श्रद्धा सुमन अर्पित कराया गया। इन मौके बुद्ध वंदना भी करी गई। जलसा में जीएसआई रा अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहा। आज के दिन हम लोग उनको याद करने के लिए ये हम लोग जयंती मना रहे हैं और उनका जो योगदान रहा है सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, वो सब बातें हम लोग उस तरह की बातें हम लोग पूरा तो कर नहीं सकते, लेकिन उसमें से अगर थोड़ा सा भी हम लोग अपना योगदान दे सके तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाबा भीमराव साहब ने हमको रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने हमारे जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके लिए जो काम किया, उनके लिए जो उन्होंने संविधान में उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए हम कभी उनको भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे कानूनविद भी रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके प्रदेश लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं देनी है। आपरा शुभकामना संदेश में वणा कहो कि समाज रा वंचित और कमजोर वर्ग रा कल्याण रे साथे समाज में फैली बुराई ने दूर करवा माए बाबा साहेब रो घणो योगदान रह्यो है। वणा डॉक्टर अंबेडकर रा बताया रास्ता माथे चालवारो आह्वान कीनो। मतदाता जागरूकता खातर चलाया जा रहा सतरंगी सप्ताह रे तहत भरतपुर में दिव्यांगजन ट्राइसिकल रैली रखी गई। रैली ने स्वीप कार्यक्रम रा जिला कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश खूंटेला झंडी दिखार रवाना कीनो। जिला कोऑर्डिनेटर बतायो कि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करवा खातर यह रैली रखी गई है। मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो हमारा चुनाव है 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार का चुनाव है, उसमें पीडब्ल्यूडी की सत सत भागीदारी सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट
परिसर से जो दिव्यांगजन रैली निकाली गई है वो कलेक्ट्रेट परिसर से बिजलीगढ़ चौराया से मानसिंह सर्किल मल्टीपल चौराया और पुलिस लाइन होते हुए और वापस ट्रैफिक चौराया होते हुए वापस ये रैली है हमारी कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुँची है। इसमें सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन एवं उनके परिवारजनों ने भाग लिया। निश्चित रूप से ये जो रैली है तख्तियों द्वारा लेकर के प्रचार प्रसार किया गया है। मैं समझता हूँ शत प्रतिशत हमारा भरतपुर में लोकसभा चुनाव में ये मतदान हमारा रहेगा। लोकसभा चुनाव में आपरी भागीदारी सुनिश्चित करवा खातर बीकानेर जिला निर्वाचन महकमा कानीसूर के नवाचार रखे जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता री इन मुहिम में आम लोगों सु बत्तो मतदान करवा री अर्ज करी जा रही है। भारत में हर मतदाता एक भाग्य विधाता है। जन प्रतिनिधियों का जो चयन है वो हमारे स्वविवेक पर बहुत अधिक निर्भर है और पूरा राष्ट्र भी उसका विकास भी उसी बात पे निर्भर हो जाता है। स्वयं स्वविवेक से बिना किसी लोभ बिना किसी दबाव में आकर हम अपने मतदान का जो अधिकार प्राप्त है उसको सही तरीके से उपयोग ज़रूर लें। विशेषकर एक महिला होने के नाते और एनजीओ वर्कर होने के नाते मैं सभी महिलाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि अपने अधिकारों की वैल्यू समझें। ये आपका अधिकार है, आपको अपने देश को और अपने परिवार को और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, उसको विकास में लाना है। तो जन प्रतिनिधि जो अभी हैं उनको हम किस तरह से चयन करें बिना किसी दबाव से, स्वविवेक से और अच्छी सोच से आपको मतदान करना है। हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि अपने मत का प्रयोग करें और एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करें जो समाज के लिए जो देश के लिए अच्छा कार्य करता हो और आप सब अपने मतों का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम रहते तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर दो चरण में चुनाव वेला चुनाव में प्रदेश रा कुन कुन सा मुद्दा रहेला खास और कहीं रहेला राजनीतिक समीकरण पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी और दोनों दलों को नुकसान पहुंचा है। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट करेंगे बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास जुटाने का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ है। राजधानी जयपुर से प्रदेश का कई जिला में तेज अंधड़ साथ बिरखा हुई जिनसु मौसम सुहावनो हो गयो और लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आज भी कई जिला में बिरखारी चेतावनी देनी है। और आखिर में खास समाचार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली में जारी किनो आपरो घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी करो गयो घोषणा पत्र। मतदान की तारीख नजदीक आवरे साथ ही चुनाव प्रचार में तेजी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नोहर भादरा में कीनी जनसभा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज जालोर दौरा में थे। पहले रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो समय कीनी जनसभा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज संसद भवन में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाबा साहेब ने कीना श्रद्धा सुमन अर्पित। जयपुर में भी रखा गया कई कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ावा खातर कराया जा रहा है कई नवाचार। भरतपुर और बीकानेर में मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर रखे जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार फिर आयो बदलाव। प्रदेश का कई जिला में तेज अंधड़ साथ हुई बिरखा लोगों ने गर्मी से मिली राहत।
और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।